कभी जिसके नाम से डांग में थी भारी दहशत, आज खुद के पैरों पर चल भी नहीं सकता। यही है जुर्म की दुनिया का फल, इसलिए जुर्म की दुनिया से दूर रहें युवा। करीब 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी केशव गुर्जर। पिछले दिनों पुलिस की मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। बदमाश केशव गुर्जर का अस्पताल में उपचार चला, जिसके बाद उसे विभिन्न मामलों में पूछताछ के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया। अब उसे बाड़ी की कोतवाली थाना पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार कर लाई है, जिससे प्रॉपर्टी डीलर्स को धमकी देने के मामले में पूछताछ की जा रही है। कभी दस्यु केशव गुर्जर के नाम की डांग में दहशत थी। ये धमकी देकर चंद दिनों में चौथ वसूली कर लेता था और पुलिस से 3 बार मुठभेड़ होने के बावजूद भाग निकला था। वह आज चलने फिरने तक में असमर्थ हो चुका है। हालांकि उसका उपचार चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति से लगता है कि वह शायद ही अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाए। फिलहाल वह बिना सहारे के चल भी नहीं सकता। ऐसे में पुलिस ने मानवीयता दिखाते हुए वारंट पर लाए बदमाश केशव को हवालात में बंद ना करके बाहर ही रखा है, जहां फर्श पर वह ठीक ढंग से बैठ भी नहीं सकता। पूर्व दस्यु केशव से पुलिस प्रॉपर्टी डीलर हरिओम गोस्वामी को विगत वर्ष नवंबर महीने में दी गई धमकी के मामले में पूछताछ कर रही है। मुलजिम केशव ने हरिओम गोस्वामी के लिए और उसके लड़के को टेलीफोन पर धमकी दी थी कि दिनेश जो प्लॉटों का धंधा करता है उसका हिसाब नहीं कर रहा है, अगर तूने हिसाब नहीं किया तो जान से मार देंगे, और कुछ पैसों की भी उसने डिमांड की थी। इस संबंध में हरिओम द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण में मुलजिम केशव को कल गिरफ्तार किया गया है।